नमस्कार, मैं केशव वाधवा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम विजिट करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की और देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पे बन रहे एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की भी हम साइट विजिट करेंगे जिसका नाम आर ओ एफ आलियास है, तथा देखेंगे कि वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है। और हम अपनी विजिट को स्टार्ट करेंगे द्वारका सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन से। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। अभी हम गूगल पर आर ओ एफ आलियास जिस प्रोजेक्ट पे हम जा रहे हैं वहाँ की लोकेशन लेंगे और गूगल पर ये 19 किलोमीटर और 30 मिनट की ड्राइव दिखा रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी गूगल मैप्स पर द्वारका सेक्टर 21 से गुड़गांव सेक्टर 102 की दूरी 19 किलोमीटर आ रही है, जो कि आगे चल के कम हो जाएगी क्योंकि अभी द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्शन 2 और सेक्शन 3 आपस में कनेक्ट नहीं हुए हैं। अभी हमें बामनोली गांव में से होकर जाना पड़ेगा। जब ये दोनों सेक्शन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो यह दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। यह जो दोनों साइट कंस्ट्रक्शन चल रही है, यह द्वारका एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन हो रही है। यह द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है जिसका कंस्ट्रक्शन जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है। और यह राइट साइड में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का निर्माण चल रहा है। साइड में द्वारका का सेक्टर 26 है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे गुड़गांव स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यह सेक्शन 3 से अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए आगे हमें बामनोली गांव से होकर जाना पड़ेगा। और अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 पर पहुंच चुके हैं। यह सामने गुड़गांव सेक्टर 112 हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के इस सेक्शन का कंस्ट्रक्शन LNT के द्वारा किया जा रहा है। इस सेक्शन में लगभग 50% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रही है।
लेफ्ट साइड में गुड़गांव सेक्टर 110 है और यह इंडिया बुल्स का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। और यह राइट साइड में गुड़गांव सेक्टर 109 है और यह नियो का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और ये आगे जो क्रॉसिंग है यह दौलताबाद क्रॉसिंग है। यहाँ से लेफ़्ट में दौलताबाद फ्लाईओवर है जिसे क्रॉस करते ही गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आ जाता है। अब यह राइट हैंड पे गुड़गांव सेक्टर 102 है और यह जो कम हाइट के फ्लोर दिखाई दे रहे हैं यह बीपीटीपी की टाउनशिप है। यह लगभग 150 एकड़ की टाउनशिप है और आगे जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह हेरिटेज मैक्स है। यह सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह मेडले की कमर्शियल बिल्डिंग है जो कि गुड़गांव सेक्टर 99A है। अब हम यहाँ से राइट को लेंगे और यह रोड स्टेट हाईवे 15A है जो गुड़गांव को झज्जर से जोड़ती है। यह राइट साइड में MR का गुड़गांव ग्रीन्स प्रोजेक्ट है।
और ये लेफ्ट साइड में सत्या का हाइव जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अब आगे सर्कल से हम एग्ज़िट 3 लेंगे जो कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे रोड है, और इसी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर आरओएफ का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आरओएफ आलियास है। और ये राइट साइड में जेएमएस का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट मरीन स्क्वायर है, और इसके आगे यह आरएफ आलियास का फेस 1 है जो डिलीवर हो चुका है। तो फाइनली हम आरएफ आलियास में पहुंच चुके हैं। यह एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। यह इस प्रोजेक्ट का मेन गेट है। इस प्रोजेक्ट को 2015 में लॉन्च किया गया था तथा लगभग 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया गया है। यह फर्स्ट बिल्डिंग 3 BHK की बिल्डिंग है तथा इसके आगे 2 BHK एवं 1 BHK हैं तथा यह लेफ्ट साइड में कमर्शियल बिल्डिंग है। यह टावर 14 फ्लोर का है। यह जो कंस्ट्रक्शन चल रही है यह इस प्रोजेक्ट का फेस 2 है। इस एरिया में कॉमन पार्किंग रहेगी। यह प्रोजेक्ट हरियाणा गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 82 है जो इन्हें 6 दिसंबर 2018 को मिला था तथा इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर 33 है जो इन्हें 27 मई 2019 को मिला था। यह प्रोजेक्ट 4.11 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में टोटल 6 टावर हैं तथा कुल 595 3 BHK फ्लैट्स हैं। राइट साइड में टावर IJ तथा K है। और ये लेफ्ट साइड में टावर LMN है। और ये दोनों के बीच की लैंड पार्क का एरिया है। चलिए अब फ्लैट का लेआउट देखते हैं। यह इस फ्लैट की एंट्री है। इस फ्लैट का कारपेट एरिया 645 स्क्वायर फीट प्लस 140 स्क्वायर फीट की बालकनी है। यह लिविंग एरिया है। यह किचन।
यह फर्स्ट बेडरूम, यह सेकंड बेडरूम, यह फर्स्ट टॉयलेट, ये सेकंड टॉयलेट, और ये तीसरा बेडरूम। और यह तीनों रूम के आगे एक बड़ी बालकनी। यह दूसरा लेआउट है। इस फ्लैट का एरिया 645 स्क्वायर फीट और बालकोनी 105 स्क्वायर फीट की है। ये सबसे आगे एंट्री करते ही लिविंग एरिया है। और इसके आगे किचन। यह फर्स्ट बेडरूम है। यह टॉयलेट है। यह है दूसरा बेडरूम। यह सामने सेकंड टॉयलेट। और यह तीसरा बेडरूम। और यह सामने बालकनी।